शख्स, मेरा नाम शैली बुलचंदानी है और मैं 24 इयर्स की हूँ, अजमेर राजस्थान से। मैं हूँ आर्यन कॉलेज में, जो कि एफिलिएटेड है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से। इसमें मैं कर रही हूँ MSc IT और मैं हूँ सेकंड ईयर। मेरा कॉलेज मुझे मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में काफी सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं मेरे बिजनेस को और मेरी पढ़ाई को काफी अच्छे से बैलेंस करती हूँ। शख्स, मेरे जनरेशन को लाइफ में चाहिए सब कुछ इंस्टाग्राम रील्स की तरह, क्विक और हर दिन कुछ नया। हमारे मूड भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स की तरह बदलते रहते हैं। जैसे आज अगर मेरे ब्राउन हाइलाइट्स हैं, तो कल मुझे पिंक हाइलाइट्स चाहिए, तो चाहिए। उसके लिए 6 महीने नहीं रुकना। #PinkHairDon'tCare। और किसी दिन अगर आपको क्यूट लगना है, तो पार्लर जाके बैंग्स कटवाने की जरूरत नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, तो ये रहे हमारे क्यूट बैंग्स। #SoCute। और किसी दिन अगर आपको चाहिए एक परफेक्ट मेसी बन लुक, तो ये रहा हमारा मेसी बंस क्रंची। #JustLookingLikeAWow। तो अब सबको इंस्टा रील वाली लाइफ देने के लिए मैंने शुरू किया द शेल हेयर। द शेल हेयर में हम बेचते हैं 100% नेचुरल रेमी हेयर से बने एक्सटेंशंस, टॉपर्स, बैंग्स और कलरफुल स्ट्रीक्स जैसे प्रोडक्ट, जो हर दिन आपको एक नया लुक दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ फैशनेबल ट्रेंड्स के लिए ही नहीं, बल्कि सीरियस हेयर लॉस कंसर्न्स के लिए भी है। हमारा लार्जर कस्टमर बेस एलोपेशिया पेशेंट्स का है, जो हमारे सीमलेस हेयर पैचेस से अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं। मैंने मेरी ब्रांड स्टार्ट करी थी अगस्त 2020 में, पर मेरी मम्मी को मेरे इस प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उनको लगता था बालों से तू कैसे बिजनेस करेगी, ये कैसे चलेगा। फिर मैंने 2000 रुपीज में सिर्फ अपनी ब्रांड की शुरुआत करी थी, और उसके बाद हम आज हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचते हैं देश भर में। मैं बनना चाहती हूँ बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर, और मैं उन्हीं चेयर्स पे आके आपके जैसे एक दूसरी शैली को गाइड करना चाहती हूँ। सो शख्स, मेरी मम्मी का तो मैंने भरोसा जीत लिया है एक ब्रांड बना के, क्या आपका भरोसा है मेरे पे? अच्छा शैली, बताइए, 3 कैटेगरीज होते हैं, हेयर एक्सटेंशन, कलर्ड हेयर और फिर विग्स। तो आप तीनों में है कि सिर्फ एक्सटेंशंस और कलर्ड है? मैं है नमिता मैम, हम तीनों में ही डील करते हैं। अच्छा, आप नॉन कलर भी करती हैं, प्लेन भी करती हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, निशेर और हेयर ओरिजिनल करके आई थी? यस, ये वैसा है, हेयर ओरिजिनल्स। कौन सा बेटर है, ये आपकी है ना हेयर ओरिजिनल? हेयर ओरिजिनल में हमने किया। तो कौन सी बेटर है, द शेल हेयर? क्या बेटर है, व्हाट इज बेटर अबाउट यू? तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेमी हेयर से बने हैं और डबल ड्रॉन हेयर बने। सो रेमी हेयर मतलब होता है कि एक सिंगल डोनर हेयर के ही हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और डबल ड्रॉन हेयर का मतलब ये होता है कि जो हमारे बालों की डेंसिटी है वो ऊपर से लेके नीचे तक इक्वल रहे। और दूसरे वाले से, निश हेयर से कैसे अलग हो? सो हमारी क्वालिटी इतना अच्छे होने के बावजूद हमारी प्राइसेस 30-40% लेस है बाकी ब्रांड्स। निश हेयर से? यस, निश हेयर इज एक्सपेंसिव। आप अपना रेवेन्यू बता दीजिए और आपका बिजनेस के फाइनेंशियल्स बता दीजिए। लास्ट मंथ नेट सेल्स 9,73,000 का, उससे पहले 7 लाख का, और उससे पहले हमारा रेवेन्यू था 8 लाख फ्रॉम वेबसाइट एंड 4 लाख फ्रॉम एग्जीबिशन। 9 से 10 लाख का महीने का, यानी साल का 1.2 करोड़ के आसपास का मोमेंटम चल रहा है। बहुत बढ़िया आपने पैकेजिंग कर रखी है। थैंक यू सर। आप मेरी मदद करेंगी ये लगाने? हाँ, में जरूर। ओके, हाउ इज दिस लुकिंग? लुक्स वेरी नाइस, इट कॉम्प्लीमेंट्स द ड्रेस इन द बैक, लुक्स वेरी कूल। शो मी दैट फ्रिंज जो अभी आपने ट्राई की थी। हाँ, ये जो है इट्स ऑल ट्विस्टेड। हाँ, वो एक्चुअली उसमें पड़े पड़े, सो आई विल ब्रिंग अनदर वन जस्ट। या, दिस डजंट लुक गुड, इट्स ऑल ट्विस्टेड। एंड देन इसे ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं, राइट? या, सो दिस इज अ मीडियम डेंसिटी बैंग्स। डू यू लाइक इट गाइस? शार्क अप्रूव्ड। शार्क अप्रूव्ड। चलिए, जब आप 20
इयर्स के थे जब आपने ये स्टार्ट किया, करेक्ट? तो आपको कभी ये नहीं लगा कि यार ये तो कर ही रहे हैं लोग ऑलरेडी, आपने क्यों सोचा कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ उसमें? मेरा इंटरेस्ट बहुत था, मतलब मैं अपने आप को सोते हुए उठते हुए सही में इमेजिन करती थी एक्सटेंशंस बनाते हुए, टीम बनाते हुए, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हुए। करेक्ट, बट आपने सबसे पहले क्या किया? आपने मम्मी को बोला मम्मी बाल काट के दो? तो ये जब मुझे आइडिया आया, मैंने सर्च किया कि कोई रॉ हेयर दे देगा तो ठीक है, तो वो मेरे को जयपुर में एक वेंडर मिले थे, तो मैंने उनसे 2,000 रुपए के बाल मंगा लिए, और बाल 2 दिन बाद आए तो मैं लेके पूरे घर में ऐसे घूम रही थी कि अरे बाल आ गए तो वो बोले भाई ये क्या लाई है तो अपने हाथ में, तो मैंने ये खुद ने ही मेरी सिलाई मशीन पे बैठ के मैंने स्टार्ट कर दिया बनाने। फिर मैंने ये बनाया एक्सटेंशन, तो मैंने एक दो स्ट्रीक्स बनाई थी, और उस पे कलर करने के बाद मैंने मेरे रिलेटिव्स को ये बेचना स्टार्ट कर दिया कि मैं देखूं रिस्पांस कैसा आ रहा है। उनको तो एक बार में देख के बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनको उन्होंने ये सब चीजें बहुत पहली बार देखी थी उस टाइम पे। फिर मैंने मेरी एक वेबसाइट बनाई थी जो बिल्कुल फ्लॉप थी, बट बनाई थी, और उससे मैंने ऑर्डर्स लिए थे, और उसके बाद अब मेरी एक नई वेबसाइट है, वो भी देख लेते हैं एक बारी वेबसाइट। Okay, this is your site. Very nice, yaar. Photos mein aap ho gaya? Yes. This is you, right? Yes, yes. Aap bhi photo all thought. Yeah, sare. Website achhi hai. Thank yeah. you. To be honest, ye free ki website hai. Ye mere friend ne banayi hai mere liye. Sahi hai, aise hi hota hai. Aap bahut resourceful hai. अब मैं क्वालिटी पे बात करने जा रहा था, अभी अगर पहले प्राइसिंग बताओ फिर मैं क्वालिटी पे आऊंगा। सो मैं एक एग्जांपल आपको जैसे बताती हूं, मेसी बंस क्रंची, तो इसका प्राइस बाकी ब्रांड्स देती हैं 3,000 का अराउंड, और हमारे पास वही ब्रांड का हमारी प्राइस है 1,895। आपकी मुझे क्वालिटी निशेर से बेटर लगी। एक्चुअली नहीं अमन, मेरे को ज्यादा बेटर लगी। आपको लगी होगी, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ, निशेर का जो बन आता है उसका वॉल्यूम इससे काफी ज्यादा होता है, 3,000 के अंदर वॉल्यूम ज्यादा मिलता है ऑब्वियसली, तो कॉस्ट भी ज्यादा बेटर। निशेर का स्कैल्प देखा आपने? हाँ जी। वो एक डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे डिजाइन वाइज निशेर का इसलिए बेटर लगा क्योंकि वेरी स्लीक, वेरी लाइट मटेरियल जो है वो बहुत ही फाइन है जी। आपके स्किन को कलर को मैच करता पता भी नहीं लगता आपने पहना, थोड़ा बल्कि ज्यादा लगा डिजाइन वाइज प्रोडक्ट की। अगर मैं अपना जेन्युइन फीडबैक, आपके पास महीने में प्रोडक्ट्स की बड़ी ऑर्डर्स आती हैं और हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस होती है, उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो कितना अमाउंट होगा? 5,000। तो ये निशेर का कंपैरेटिव नंबर है 7,500। आप निशेर को कंपटीशन दे सकते हो? Yes. कैसे? पहली चीज मार्केटिंग अभी मेरी पूरी ब्रांड की सिर्फ मैं हैंडल कर रही हूँ। आप सिर्फ अलोन लोन रेंजर हो? कोई नहीं साथ में? नो एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज आई हैव वन इंटर्न और बाकी हमारे 6 मैन्युफैक्चरर्स और। बेसिकली कह रहे हो आप टीम बनाओगे, मार्केटिंग उसमें बेटर करोगे और क्या करोगे? और हमारी थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और हम लोग अभी ऑफलाइन बहुत कम कर रहे हैं, हम लोग एग्जीबिशंस हो गया या सैलॉन्स में ट्रायल्स हो गए, तो जहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि हम लोग कस्टमर से एक अच्छा पर्सनल बॉन्ड बनाते हैं वहाँ पे, वो अभी मेरा काफी कम है, तो वो मैं और ज्यादा रेगुलर करूँ। पैसे कितने बन रहे हैं? सर हमारा नेट प्रॉफिट है 35%। तो 3-4 लाख रुपए निकाल लेती हैं आप महीने का जी। और पिछले साल क्या सेल की थी आप? पिछले साल हमारी सेल्स थी 36 लाख। आज के दिन में आपके चैनल्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना वेबसाइट से आ रहा है, कितने मार्केट प्लेसेस से आ रहे हो? तो हमारा 82% हमारी वेबसाइट से है, 8% हमारा Amazon से है, और 10% हमारे exhibitions के थ्रू। आज वेबसाइट के अंदर में आपका ट्रैफिक कितना है, कन्वर्जन कितना है? सो हमारे मंथली ट्रैफिक रहता है अराउंड 20,000 का। और कन्वर्जन? जैसे हमारे मंथली एड टू कार्ट रहते हैं 1.3K और हमारे इसमें परचेजेस रहते हैं 140। कन्वर्जन आपका काफी कम? कम, 1.5-2% तो होना चाहिए। नहीं जी सर। सो मेरी ना रीटारगेटिंग एड्स में बहुत कम चलाती हूँ, सो मेरे जो कस्टमर्स जो उसने एड टू कार्ट ऑलरेडी कर रखा है, मैं उन पे टारगेट अभी नहीं कर पा रही, और ना ही मुझे पहले आता था। You're still learning. Yeah, I'm still learning.